आज मैं आपके लिए ले आई हूँ आलू गोभी की सब्जी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और थोड़ी सी ढाबा स्टाइल जैसी है। और इसकी इंग्रेडिएंट्स आपको सभी घरों में आसानी से मिल जाएगी। तो आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए हम लिए हैं कुछ गोभी, छोटे छोटे कटे हुए आलू, दही, सरसों का तेल, टमाटर, नमक, हरी मिर्च, अदरक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को थोड़ा सा अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हम इसमें कटे हुए गोभी और आलू को डाल देंगे। अब देखिए, इसे अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से गोभी और भी जल्दी पक जाए। देखिए, गोभी को इसी तरह हाई फ्लेम में ही पकाइएगा, इसे ढकिएगा नहीं, ढकने से इसका गोभी से स्टीम आ जाएगा। अब देखिए, अच्छी तरह से गोभी ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम इसी गरम तेल पे जीरा डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए देंगे। कटे हुए टमाटर डाल देंगे और एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल के उसे अच्छी तरह से भूनेंगे और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। टमाटर अच्छी तरह से पकने के बाद हम अब इसमें एक बाउल दही डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए, टमाटर और दही के वजह से ग्रेवी थोड़ी खट्टी लग सकती है, बट हम इसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं। और ग्रेवी हो गई है। अब हम इसमें फ्राई हुए गोभी और आलू को डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी देकर और 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पक जाने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए, हमारी आलू गोभी की रेसिपी बनके तैयार है और देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरी धनिया पत्ता और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और देखिए, रेडी है हमारी आलू गोभी की सब्जी। अब देखिए, रेडी हो गया हमारी बहुत ही टेस्टी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी स्पाइसी और मजेदार आलू गोभी की सब्जी।